नमस्कार, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज सैटरडे और आयुष का बर्थडे भी है आज, तो इसीलिए सुबह से भागम दौड़ी चल रहा है और सामान सब लेके आए अभी। और तो अभी हम लोग लंच कर चुके हैं। लंच में चावल और दाल और दही वाली बैंगन वही बनाई थी, हम लोग खा चुके हैं। और इधर वो दोनों फ्रेंड्स खेल रहे हैं आयुष का, और ये आयुष का नया ड्रेस है, वो सुबह से पहन के घूम रहा है। तो अभी मैं जाऊंगी डिनर के लिए, प्रिपरेशन करूंगी वो सब। और केक वगैरह हम शॉप से लेके आ गए हैं। तो चलिए कुछ डेकोरेशन वगैरह करेंगे और खाना बनाएंगे। No, no. No, it is good. Yes. No, no, no. Sorry, no, sorry. It is good. No. This is a story. What story? Story means sleeping. Liam, stand here. No, no, no. तो गाइस, मैं इधर खीर बना रहा हूँ, इसीलिए तो पैन में थोड़ा सा घी ऐड कर दिया और चीनी ऐड कर दिया। चीनी को इधर कैरमलाइज करूँगी और उसके बाद दूध ऐड करूँगी, इससे ना अच्छे से कलर आता है खीर में। तो 1 लीटर दूध है, तो ये सब मैं यूज करूँगी। और उसके बाद अभी मैं ये जो लच्छा है ना, ये डालूँगी थोड़ी देर बॉयल होने के बाद दूध। तो साइड में काजू और किशमिश को फ्राई करके निकाल दूंगी। और दूध में थोड़ा सा उबाल आ गया है, तो इस वक्त मैं थोड़ा सा मतलब जितना टेस्ट के हिसाब से गुड़ ऐड कर दिया है। इसको मेल्ट होने के बाद इधर लच्छा, ये वर्मिसली फ्राइड वर्मिसली होता है, तो बहुत अच्छा स्मेल आता है इसमें घी का, तो ये बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए इसको मैं बनाया है। तो अभी ये सारे सॉफ्ट होने के बाद काजू और किशमिश को डाल दिया और थोड़ी देर उबाल इसमें आने दूंगी। तो इसमें उबाल आने के बाद इधर मिल्क मेड में ऐड कर दिया है और थोड़ा सा कार्डमम पाउडर फ्लेवर के लिए। तो हमारा खीर बन के रेडी हो गया है। थोड़ी देर धीमी आंच में 5 मिनट तक कुक करूंगी और उसको साइड कर दिया है। और इधर पिंडी छोले बनाने के लिए मैं इधर रेडी कर रहा हूँ। तो छोले में पानी दे दिया है और थोड़ा सा इस कपड़े में मैंने लिया है चाय पत्ती, इससे कलर अच्छा आता है, इसीलिए हमें इसको पिंडी छोले बोलते हैं। तो इसको मैं अच्छे से टाइट करके टाई कर लूँगी, नहीं तो ये निकल जाएगा अंदर में, नहीं निकलना चाहिए। तो इसको मैं अच्छे से डाल दिया, इसमें कलर आएगा। देन खड़े मसाले, तेज़पत्ता, दालचीनी, इलायची और लौंग, काली मिर्च और नमक, ये सब डाल के अच्छे से इसको मिला लूँगी। और थोड़ा सा हम बेकिंग सोडा भी इसमें ऐड करेंगे, ये खिला खिला बनेगा। तो इसको मैं 4-5 व्हिसल लगा लूँगी अच्छे से सॉफ्ट होने के लिए। तो ये देखिए खीर हमारा बन गया है। तो खीर को मैं बंद कर दिया है और इधर पूरी को लिए रेडी कर रहा हूँ। पूरी के लिए 2 कप आटा लिया है और साथ में 2 कप मैदा लिया है और 1/2 कप सूजी लूँगी। ये सबको अच्छे से मिला के थोड़ा सा नमक और हमारा अजवाइन ये डाल के अच्छे से टाइट डो बना लूँगी इसका। थोड़ी देर बाद इधर हमारा डो बन के रेडी हो जाएगा और साइड में व्हिसल ला के ठंडा हो गया है, इसको साइड कर दिया है। और अभी मैं फ्राई राइस बना रहा हूँ, तो 1 चम्मच घी ऐड कर दिया है और सारे गरम मसाला ऐड कर रहा हूँ, स्टार एनिस और इलायची, दालचीनी, बे लीव्स, मतलब जो भी सारे खड़े मसाला होता है वही सब डाल रहा हूँ। आज बिना प्याज लहसुन का बना रहा हूँ, तो भगवान जी को पूजा भी लगाऊंगी।
तो घी में, और इसमें काजू और किशमिश भी ऐड कर दिया है। ये सबको अच्छे से फ्राई करूँगी थोड़ी देर तक, और उसके बाद ये हमारा फ्रोजेन वाला मिक्स आता है, वेजिटेबल मिक्स आता है, तो इसको मैं थोड़ी देर तक सॉटे करूँगी थोड़ा सा नमक ऐड करके। और सॉटे करने के बाद हमारा भीगा हुआ बिरयानी राइस है, बासमती बिरयानी राइस, वो इसको 1 घंटा करीब मैं भिगो के रख दिया था, तो अभी मैं इसको डाल दूँगी, और इसको ज़्यादा नहीं मिलाऊँगी नहीं तो ये टूट सकता है। तो अभी मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी, और इसमें एक बाउल चावल था तो 2 बाउल चावल ऐड कर दूँगी, और स्वाद अनुसार नमक ऐड करके इसको मैं कुक होने के लिए छोड़ दूँगी। तो इधर एक मैं मसाला बनाऊँगी, जो पनीर और काबुली छोले में, जो पिंडी छोले में सेम जाएगा, टमाटर, अदरक और काली मिर्च और थोड़ा सा इलायची, ये डाल के मैं इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, तो ये दोनों सब्जी में जाएगा। ये देखिए हमारा छोले अच्छे से बॉईल हो गया है, और इसमें जो कलर आया है, मस्त आया है, तो इसमें अभी जीरा डाल दिया है और वही मसाला ऐड कर दिया है, टमाटर, अदरक और काली मिर्च, हमारा इलायची और थोड़ा सा सिनेमन स्टिक, ये सबको मैंने ग्राइंड कर लिया था। तो इसको मैं इधर ऐड करके सारे पाउडर मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर और सब सब्जी मसाला और हल्दी पाउडर डाल के इसको मिक्स कर लिया है, और जितना उसका जाएगा, मतलब मसाला जब पक जाएगा, तो इधर मैं छोले भी ऐड कर दिया, और इसको थोड़ी देर धीमी आंच में पकने के लिए छोड़ दूँगी। और ये देखिए ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला मैं इधर ऐड किया था, और थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड करके इसको हम बंद कर लेंगे। तो अभी मैं पनीर के लिए काजू और पोस्तों को भिगो के रख दिया था 1/2 घंटा पहले, तो इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी, हम पनीर में देंगे इसको। और मीनवाइल इधर आलू को फ्राई करके निकाल दिया है, और पोस्तों भी ग्राइंड हो गया है, काजू पोस्तों। तो इधर मैं ऑयल में जीरा और गरम मसाला, जैसे कि तेज पत्ता, सिनेमन स्टिक और बेल लीव्स, ये सब डाल दिया है, और इधर वही वाला पेस्ट का, टमाटर, अदरक, काली मिर्च और हमारा लौंग, ये सबको मैं ग्राइंड कर दिया था, तो इसको मैं इधर डाल दिया है, और इसको थोड़ी देर पकाऊंगी नमक ऐड करके। देन उसके बाद इधर धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून भर के, देन जीरा तो मैं पहले डाल चुकी हूँ तो इसलिए इधर नहीं डाला है, और इधर गरम मसाला, नहीं सॉरी, सब्जी मसाला ऐड कर दिया है, हल्दी पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर ऐड कर दिया है, बस इतना सा ही, और इसको मिला लूँगी। तो ये देखिए साइड में से ऑयल जब सेपरेट हो जाएगा इस मसाले से, देन उसके बाद हम काजू और पोस्तों को ऐड कर देंगे, इसको भी थोड़ी देर तक धीमी आंच में कुक करेंगे। इस मिक्स को हम 5 मिनट तक धीमी आंच में कुक करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा हम गैस को बंद कर लेंगे, और ये मिक्सर को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद 1 टेबल स्पून दही ऐड कर दूंगी, देन उसके बाद इसको अच्छे से मिलाने के बाद मैं गैस ऑन करके थोड़ी देर इसको भी पकाऊंगी। तो वो सारे मसाले अच्छे से पक जाने के बाद मैं ऊपर से कस्तूरी मेथी ऐड कर दिया है, और सारे हमारा आलू और पनीर को भी मिक्स कर लूँगी, और इसको भी मैं 5 मिनट तक धीमी आंच में कुक करूँगी, ताकि मसाला सारे हमारे पनीर और आलू में उसका फ्लेवर चले जाए। तब तक मैं इसको अच्छे से मिक्स करके धीमी आंच में पकाऊँगी। तो ये हमारा मसाला से थोड़ा सा ऑयल सेपरेट होने लगा है, देन मैं इधर जितना हमें थिक चाहिए उतना हमें पानी ऐड कर देना है। तो ये थोड़ी देर और मैं इसको बॉईल होने के लिए छोड़ूंगी, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड किया है पनीर और आलू के हिसाब से। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा नमक ऐड करके ढक के पकाऊंगी। देन हमारा पनीर का सब्जी इधर बन जाने के बाद ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला मैं ऐड कर दिया है, और इसको अभी हम बंद कर देंगे। तो हमारा पूरा खाना बनाना प्रोसेस सब कुछ ख़त्म हो गया है, और इधर डेकोरेशन वगैरह
भी चल रहा है, मतलब पूरी ही बस नहीं किया है और बाकी सब हो गया है। और आइस का मस्ती देखिए, क्या बनाया था तो इसको ये पहले से ही पहन के रख दिया है और मस्ती चल रहा है इसका। मैं इवनिंग हो गया है, डेकोरेशन वगैरह सब कुछ रेडी है और इधर मैं भगवान जी के लिए खाना लेके आई हूँ, उनको भोग लगा दूँगी और उसके बाद हम लोग केक कटिंग वगैरह वो सब करेंगे और आइस भी थोड़ा सा आरती कर लेगा। तो पूरियाँ इधर हम लोग छान रहे हैं, फोटो सेशन वगैरह सब कुछ हो गया है और अभी हम लोग हरे कृष्णा ऑनलाइन ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं तो अभी थोड़े देर हम लोग उसको सुन रहे हैं और साथ में खाना बना बना रहे हैं और खा भी लेंगे और आयुष का ब्लेसिंग भी उधर से मिलेगा। बहुत सारे डिवोटीज़ आयुष को ब्लेसिंग करने वाले हैं तो ऐसा है। आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे बेटा आयुष को भी ब्लेस करना कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव गाइस, बाय से बाय बेबी, बाय 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 Okay. Goodbye.